जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील अंतर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात बाबू घूस लेते पाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थनगर से रियाज अहमद ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रियाज, क्या है ये पूरा मामला? बाबू घूस लेते नजर आए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात बाबू, जब कोई रजिस्ट्री का मामला होता है तो इनको बिना सुविधा शुल्क ये कोई कार्य नहीं करते हैं, और जब इन्हें सुविधा शुल्क मिल जाता है तो सारे नियम और कानून को ये ताक पे रख देते हैं। जबकि रजिस्ट्री में एक नियम है कि 5 लाख में 5 लाख से अधिक तरह के भूम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है और फॉर्म 61 लगाना पड़ता है, लेकिन अगर यही इसे पैसा दे दिया जाए तो ये सारे नियम और कानून को ताक पे रख के और ये काम कर देते हैं। रियाज, अगर आपने वही उच्च अधिकारियों से बात की हो तो उच्च अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले को लेकर? सर, इस पूरे प्रकरण पे अभी अधिकारी से कोई बात नहीं हो पा रही है, और जैसे ही बात हो जा रही है वैसे हम आपको तुरंत अवगत करा रहे हैं। रियाज, कौन ये व्यक्ति था जिससे ये घूसखोरी लेते नजर आए हैं रजिस्ट्रार? हमारे रिपोर्टर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, और स्टिंग ऑपरेशन में ये प्रकरण मामला आया है जबकि उस लाभार्थी का अभी पहचान नहीं हो पाया है। शुक्रिया रियाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।